मॉर्निंग क्लास 12th। कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे बायोलॉजी में, चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसमें मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस आ रहे हैं। इसमें जो मोन्स प्यूबिस है वो एक कुशन लाइक टिश्यू होता है जो स्किन से कवर्ड रहता है और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है। इसमें जो लेबिया मेजोरा है वो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, जो कैसे हैं, जो यहाँ पर फ्लैशी फोल्ड्स बने रहते हैं, ये क्या करते हैं, मोन्स प्यूबिस से नीचे की ओर एक्सटेंड करते हैं और वेजाइना की ओपनिंग को घेरे रखते हैं। जो लेबिया माइनोरा है वो भी पेयर फोल्ड्स हैं टिश्यू के, ये लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर मिलते हैं। इसमें जो वेजाइना की ओपनिंग है ये उसको पार्शली एक मेम्ब्रेन से कवर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं हाइमन। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको अपर जंक्शन पर मिलेगा टू लेबिया माइनोरा के यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर। जो हाइमन है वो कई बार फर्स्ट क्वार्टस के टाइम फट जाती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसका कई बार सडन फॉल भी हो जाता है, जॉल्ट भी हो जाता है, या जो वेजाइनल टैम्पोन है उसके इंसर्शन की वजह से ये फट जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन कुछ स्पोर्ट में करने से, जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग है, साइकिलिंग है, कई वुमेंस में हाइमन्स जो होती है वो कॉइटस तक रुकी रहती है, कॉइटस के बाद भी प्रेजेंट होती है। इनफैक्ट जो इसकी अब्सेंस और प्रेजेंस है ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। अब हम दिखाते हैं इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है जो हमारे पास ये है। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें पेल्विक रीजन में, ये पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कैसे शो कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट यूट्रस है, यूट्रस के पास यहीं पर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट ऊपर आप यूट्रस को देख रहे हैं। इसमें जो प्यूबिक सिम्फेसिस है जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था वो जस्ट इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट है। इसमें यूरिथ्रा है जो कि एक ओपनिंग है। इसके बाद जो क्लाइटोरिस है जो हमने अभी अभी स्टडी किया है, क्लाइटोरिस वो यहाँ मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा से जस्ट ऊपर वेजाइनल ओरिफाइस जो कि एक ओपनिंग है वेजाइना की। देन इसके बाद आता है यहाँ पर जो सर्विक्स का रीजन है जो कि एक एक्सटर्नल ओपनिंग है सर्विक्स। फिर उसके बाद रेक्टम जहाँ से एक्सटर्नल वेस्ट रिलीज होता है वेजाइना, ये कॉमन ओपनिंग है। देन एनस ये आ जाता है। अब इससे बात करते हैं इसका, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये यूट्राइन फंडस है जो कि एक उभार होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूट्राइन कैविटी के ऊपर। हमें पता है कि जो यूटरस है उसकी तीन लेयर हैं, एक आउटर आती है आपकी पेरीमेट्रियम, ये आउटर कवरिंग है। देन मायोमेट्रियम जो सिंपल सॉफ्ट टिश्यू की बनी है। देन एंडोमेट्रियम, ये वॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फट जाती है जब ये इमैच्योर फॉलिकल्स को रिलीज़ करती है। इसके बाद ये आता है इस्थमस जो कि इसे ज्वाइन कर रहा है ओवरी को यूट्रस के साथ। एम्पुला है जहाँ से जो ओवम होगा वो इधर की तरफ पहुँचेगा यूट्रस में। इनफंडिबुलम है जो एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं फिम्ब्रियाई। ये सर्विक्स है जो एक्सटर्नल ओपनिंग है। सर्विकल कैनाल है जो सर्विक्स की वॉल डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं। ये आगे की तरफ इसे वेजाइना से जोड़ता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट तीन स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब में आते हैं। ये तो था इसका स्ट्रक्चर। देन अगर हम एक डायग्रामेटिक व्यू में मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो मेमरी ग्लैंड्स क्योंकि एडिपोज टिश्यू की बनी है और मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड से बन रही हैं तो इसमें मेनली फैट के लोब्यूल्स होते हैं। ये मेमरी लोब हैं जहाँ पर ये फैट लोब्यूल्स भरे हुए हैं। एल्वियोलस हैं जहाँ पर एयर एंटर करती है। मेमरी डक्ट्स हैं जिन डक्ट्स के थ्रू फर्स्ट लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। एम्पुला हैं, देन ये लैक्टिफेरस डक्ट्स आएंगी। फिर इसके बाद ये एरियोला हैं, एरियोला जिसमें कि एयर एंटर करती है। ये रिब्स हैं जो कि आपकी लंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं जो इसे पेक्टोरल गर्डल की तरफ जोड़ रही हैं। अब एक फंक्शनल मेमरी ग्लैंड जो है वो सभी फीमेल्स मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो मेनली जिन्हें हम ब्रेस्ट कहते हैं, इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं जिसमें वेरिएबल अमाउंट में फैट भरा रहता है। ग्लैंडुलर टिश्यू में हर एक जो ब्रेस्ट है वो लगभग 50-20 मेमरी लोब्स में डिवाइडेड रहती है। इसके अंदर कई सेल्स का गुच्छा मिलता है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं वो मिल्क को सिक्रीट करती हैं जो इनकी कैविटी में यानी कि एल्वियोलाई के ल्यूमेंस में फिल्ड रहता है। एल्वियोलाई मेमरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं और ये जो हर एक लोब का ट्यूब्यूल्स है वो आगे चलकर मिलकर एक मेमरी डक्ट बनाता है।
कई मेमोरी डक्ट से होती हैं, वो जॉइन होकर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बना लेती हैं जो लैक्टिफेरस डक्ट से मिल जाता है, और इससे जो मिल्क होता है वो सक्ड आउट होता है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। अब आता है मेनली गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस है क्या? गैमिटोजेनेसिस है गैमिट्स के बनने की जो प्रोसेस है, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का बनना, इसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जैसे कि टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, ये भी गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म एंड ओवम। इनमें एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। टेस्टिस में जो इमैच्योर मेल जर्म सेल हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया हैं, वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है यानी एडल्टनेस आने पर स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें हम सिंगुलर में बात करें तो क्या कहेंगे यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनियम, ये प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की वॉल पर, जो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाते हैं। हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं जो मियोसिस में जाते हैं पीरियोडिकली। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कम्प्लीट करके यानी रिडक्शन डिवीजन को कम्प्लीट करके टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बना लेती है, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहली सेल डिप्लॉयड होगी, जब दोबारा फर्स्ट वाली डिप्लॉयड के अंदर मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बनेंगे। इनमें अब 23 क्रोमोसोम हर एक में आ जाएंगे। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये दोबारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके 4 इक्वल और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना लेते हैं। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं वो आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स में धंसा रहता है, और फाइनली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मिएशन की प्रोसेस के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है। ये एक सिग्निफिकेंट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स के अमाउंट के बढ़ने के कारण होता है, तो इसे आप एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। गोनाडोट्रोपिक जो हार्मोन है इसका लेवल बढ़ने पर ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट होता है और दो गोनेडोट्रोपिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लिडिक सेल पर वर्क करता है और उनकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देता है। यहाँ से एंड्रोजन्स का सिक्रीशन होता है, एंड्रोजन्स आगे चलकर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। FSH जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है। अब अगर आप इसका डायग्राम देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है यहाँ तक अभी ये डिप्लॉयड सेल है, जो इससे यहाँ पर सर्टोली सेल्स बन रही हैं ये न्यूट्रिशन देने का काम कर रही हैं स्पर्म को। इनसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद डिप्लॉयड सेल बन रही है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिसमें फिर जब मियोसिस होगा फर्स्ट मियोसिस होने पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी, फिर इसमें सेकेंड मियोसिस होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और इससे आगे चलकर ये 4 स्पर्मेटिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सिक्रीशन है कुछ फैक्टर्स का, वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। यहाँ तक रीड करने के बाद हम कल आपको स्टडी कराएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। थैंक यू।